સાતે બેઠક પર કમળ ખીલી રહ્યું છે. ચારે તરફ ભાજપમાં જશ્નનો માહોલ, છેલ્લે કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં સોપો જોવા મળ્યો છે. લોકસભાની ચૂંટણીમાં એકલા હાથે 292 બેઠક મેળવીને ભાજપ એનડીએનો સાથ લઈ કુલ 337 બેઠક સાથે સતત બીજી વખત કેન્દ્રમાં સરકાર બનાવશે. દેશના ઇતિહાસમાં ભૂતકાળમાં ક્યારેય સતત બે ટર્મ સુધી ક્યારેય બિન કોંગ્રેસની સરકાર બની નથી, પરંતુ મોદીએ એવો ઇતિહાસ રચી દીધો છે. 2014માં પ્રથમ વખત સંપૂર્ણ બહુમત સાથે પ્રથમ વખત કેન્દ્રમાં ભાજપે બિન કોંગ્રેસની સરકાર બનાવી હતી. હવે ફરીથી ભાજપ એનડીએ કેન્દ્રમાં સતત બીજી વખત દેશમાં બિન કોંગ્રેસી સરકાર બનાવશે. 2014ની ચૂંટણીમાં 44 બેઠક સાથે કોંગ્રેસ સમેટાઈ ગઈ હતી. આ વખતે કોંગ્રેસે માંડ 50 બેઠક મળે તેવું લાગી રહ્યું છે. આથી કોંગ્રેસને ગત ચૂંટણીની જેમ આ વખતે પણ લોકસભાની અંદર વિરોધ પક્ષના નેતાનું પદ મળી શકશે નહીં. ये जीत पूरे भारतवासियों की जीत है. भारत विजयी भव और नरेंद्र मोदी के प्रति एक ईमानदार चौकीदार देशभक्त निर्णायक मजबूत नेतृत्व के प्रति भारत की जनता ने ભારતીય જનતા પાર્ટી ઓ કમલ કો વોટ દિયા હે. નરેન્દ્ર મોદી અબ દુનિયા મેં લોકપ્રિય નેતા કે સ્વરૂપ મેં ઇસ ચુનાવ કે નતીજે કે બાદ એન્ડોર્સમેન્ટ ઉનકો મિલા હે. પ્રધાનમંત્રી કોણ બને, કિસકે હાથ મેં દેશ સલામત, મજબૂત સરકાર કોણ દેંગે, तो ये सारे मुद्दे पर भारत की जनता ने वोटिंग किया था और मोदी जी के कारण आज बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है. मोदी जी को भी नमन करता हूं. अमित शाह जी जिन्होंने संगठन का परिचय करवाया ભારત કી રાજનીતિ મેં સંગઠન કે આધાર પર કિસ તરીકે સે ચુનાવ લડે જાતે હૈ જીતે જાતે હૈ. ભારત કી સબ દુનિયા કી સબસે બડી પાર્ટી તો બનાઈ થી અમિતજી ને, લેકિન સંગઠન કે કાર્યકર્તા કે બલબૂતે પર ઇસ ચુનાવ કો લડના ઓર જિસ તરીકે સે બંગાલ ઓડિશા બિહાર કર્ણાટકા 4 મહિને પહેલે कांग्रेस की 3 सरकार बनी थी, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी 25 में से 25 सीट आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त. एक चाणक्य नीति उनकी राजनीति में एक यशस्वी नेतृत्व उन्होंने भी पार्टी को दिया, लाखों कार्यकर्ता को प्रेरणा दी और उसके कारण भी ये जीत में उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है. बंगाल में जितने कार्यकर्ता ने बलिदान दिया ये भी एक बड़ी घटना है. इस बार बंगाल में 80 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बलिदान हुआ है. उन बलिदान देने वाले कार्यकर्ता को भी नमन करता हूँ और फिर से भारत की जनता ने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं. गुजरात में 26 से 26 सीट आज भारतीय जनता पार्टी काफी वोटों से आगे चल रहे हैं, जीत निश्चित है. और इस लहर में दोबारा यह मेंटेन करना भी काफी कठिन होता है और गुजरात की जनता ने, गुजरात का बेटा दुनिया का नेता इस तरीके से जो प्रेम दिया है, विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी पर और 26 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है. 4 विधानसभा की बाई इलेक्शन थी वो भी हम जीत रहे हैं और मैं गुजरात के जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि
22 साल तक तो लगातार सेवा करने का मौका दिया है और केंद्र में ये अगले 5 साल के लिए भी मौका दे रहे हैं। 26 से 26 सीट और 4 विधानसभा सीट जिताने के लिए गुजरात की जनता का भी बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। हमारे गुजरात के भी पूरे नेतृत्व ने जी जोश लगाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव को जिम्मेदारी समझकर सभी लोगों ने अपना रोल अदा किया है। सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लाखों कार्यकर्ता ने कड़ी धूप में इस चुनाव में काम किया है, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नेतृत्व का, एक ईमानदार नेतृत्व का लोगों में भरोसा और कार्यकर्ताओं का कठोर परिश्रम, पार्टी और संगठन ने साथ मिलकर इस चुनाव को जिस तरीके से झेला था और आज परिणाम अच्छे आए हैं। देश आने वाले 5 साल में देश की करवट बदलेगी। जनता ने जिस भरोसे से वोट दिया है उसका सपना साकार होगा। नरेंद्र भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई शंका ही नहीं है कि वो 5 साल में देश की जनता की जो विश्वास रखा है उसको वो सफल करेंगे। फिर से मैं आप सबके माध्यम के गुजरात में 26 से 26 सीट और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को विजयी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर जिस तरीके से गुजरात की जनता ने भरोसा रखा है, सेवा करने का मौका दिया है, उसको मैं नमन करता हूँ और बड़े विनम्रता के साथ इस जीत को, जनता की जीत, भारत की जीत, गुजरात की जीत, उस तरीके से हम मानते हैं और ये जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को भी आने वाले दिन में हम ईमानदारी से। वहीं दूसरी ओर हमारी नींद भी इससे उड़ने वाली है, क्योंकि जब लोग इतना ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं तो पहले से ज़्यादा काम हमको करना पड़ेगा। अकाल से पीड़ित हमारी जो जनता है उसके लिए और अच्छा कार्य करने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन जब मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है और इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार एक राष्ट्रीय पार्टी माटे आ बाबत खूब ज शरमजनक छे। બીજી બાજુ કોંગ્રેસને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ પોતાની માતા અને યુપીએના ચેરપર્સન સોનિયા ગાંધીને પણ મળ્યા હતા અને ચૂંટણીના પરિણામો અંગેની ચર્ચા અને સમીક્ષા કરી હતી। ભાજપમાંથી મોદી શાહની જોડીએ અદ્ભુત સફળતા મેળવી છે। દિલ્હીમાં પણ કેજરીવાલની આમ આદમી પાર્ટીને સાફ કરી દીધી છે। દિલ્હીમાં કેજરીવાલની સરકાર હોવા છતાં ભાજપે તમામ 7 બેઠકો પર કબજો જમાવ્યો છે। મહારાષ્ટ્રમાં પણ શિવસેનાએ 48માંથી 43 બેઠકો પર જીત મેળવવા માટે ભાજપ આગળ વધી રહ્યું છે। જો શાનદાર કાર્ય 5 વર્ષો કે અંદર હોય થે ઉન 5 વર્ષો કી ઉપલબ્ધિઓ કી તાકત ઓર અસર ઇસ શાનદાર વિજય કે રૂપ મે હૈ। પ્રધાનમંત્રી મોદીજી કા મેં અભિનંદન કરતા હું ઇસ શાનદાર વિજય કે લે ઓર ઉન્હોને 5 वर्ष में 2014 से लेकर 2019 के बीच इस देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो शानदार कार्य किया है, खास तौर पर वैश्विक मंच पर भारत को सम्मान देने का हो या फिर देश के अंदर किसी भी अन्य क्षेत्र में आप देखेंगे, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के या फिर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का जो कार्य, ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसका परिणाम है कि जनता ने देश की नकारात्मक राजनीति को एक तरीके से खारिज किया है। विकास, राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दे पर मोदी जी के नेतृत्व पर फिर से विश्वास किया है। एक तरफ मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और NDA को प्राप्त हुआ तो दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की संगठनात्मक रणनीति आम जन के उन भावों को मतदान में बदलने के लिए संगठनात्मक जो रणनीति बनी थी इसका एक परिणाम है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ इस शानदार विजय के लिए।
भारतीय जनता पार्टी पहली बार 300 का आंकड़ा प्राप्त कर रही है, आगे 300 का आंकड़ा पूरा कर रही है और एनडीए 350 का आंकड़ा पूरा कर रही है। एक वास्तव में शानदार विजय है और ये मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिनकी संगठनात्मक रणनीति के अंतर्गत करोड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी एक बार अपने नेतृत्व के उन भावों को पूरा कर रही है जो पहले से ही नारा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा पार करेगी। और उसमें पूरे देश के अंदर जो रुझान देखने को मिले हैं और जिस प्रकार से परिणाम सामने आए हैं, मैं सचमुच एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं और शानदार विजय की ओर काशी में बढ़ रहे हैं, मैं उन्हें इसकी बधाई भी देता हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस देश की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जिस अभियान के साथ आगे कार्य कर रही है, ये निरंतर। और ब्यूरो रिपोर्ट, NS गुजरात न्यूज़।